कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारा आमदार हिंदू है, इसके लिए घेरते हो उसको? उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र लवाड़ है, इसके लिए घेरते हो उसको? तो कैसे यकीन करे? वन साइडेड बात मत कीजिए। यकीन कैसा करे? नहीं है जो सवाल है वो कर रहा हूं मैं। क्या आपके हाथ में चूड़ियां नहीं है? आप भी निकलो अपने हक के लिए। आज अगर मानते हैं राजनीति छोड़ दे आप भी। अरे मैंने ऐसा आप कहना राजस्थान में राजनीति नहीं हुई। सुनिए आप बताइए कहाँ सुनिए राजस्थान में राजनीति। जो लोग आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मर के दफन वही होना है, आखिरी जगह वही है। ये तुम्हारा सिर्फ काम है मोबाइल लेकर के फेसबुक पे बदनाम करना आवाज साहब को। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आज फिर होगी बहस मुमरा के विकास और विनाश पर। हमेशा सवाल खड़ा होता है, आए दिन मुमरा के नेता विकास के दावे करते हैं, मुमरा में विकास का गंगा हमने बहाया है। किसने बहाया है और किसने घटाया है ये तो आप सबको पता है। बहरहाल आज आमने सामने में हमारे साथ कड़क मोर्चा, धड़क मोर्चा आंदोलनकारी शमीम खान मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं। शमीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आप आए। आप शमीम खान साहब, आप जो है आंदोलनकारी हैं और हर मुद्दे पर आप आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या निकलता है? जीरो। ये कौन कहता है? रिजल्ट आता है। आंदोलन करना हमारा अधिकार है। हमने जब भी आंदोलन किया तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये काम अधूरा है, ये काम नहीं हो पा रहा है। उस काम को अंजाम देने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए, करवाने के लिए हमारा अधिकार है। शमीम भाई, मुमरा को क्या चाहिए था और आपके आमदार ने क्या दिया है मुमरा को? मेरे आमदार ने मुमरा कोसा को प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, डेवलपमेंट दिया है, विकास दिया है। जो शहर की जरूरत है वो मेरे आमदार ने पूरा किया। ऐसा मैंने पहले ही कहा कि आप हमेशा आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन का रिजल्ट सिर्फ आपका यही बाईपास ही है? नहीं, हमने बताया आपको बाईपास का, आपको मैंने बताया एक रिजल्ट। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, उसके बाद हमारे आमदार साहब ने बात करके कमिश्नर साहब से, आज देखिए स्ट्रीट लाइट लग गई रोड के ऊपर। इस तरीके से कौसा का म्युनिसिपल स्कूल को लेकर के भी हमने एक बार वहां पे आंदोलन किया था। इस तरीके से मुमरा कौसा में पानी की भी दिक्कत अगर होती है उसको भी लेकर के हम आंदोलन करते हैं। लाइट को भी अगर समस्या पैदा होती है उसको भी लेकर के हम लोग आंदोलन। सिर्फ आप आंदोलन ही करते हैं, हल तो निकालो आप। हल है ना, कहाँ निकल रहा है हल? आज देखिए, आज भी पानी के लिए परेशान है। देखिए आज भी लाइट के लिए पानी की हो जाती है। पानी की कमी अगर है उसको लेकर के हम सत्ते में नहीं है। आज सत्ता शिवसेना की है, आज सत्ता बीजेपी की है। शमीम भाई, आप जैसा बता रहे कि आप सत्ता में नहीं है, आपके लोग जो खड़े होते हैं चुनाव में, तो चुनाव के दौरान क्यों आप नहीं कह देते कि हम सत्ता में रहेंगे तो ही विकास करेंगे? अभी आप कैसा कह रहे? आप कह रहे कि हम सत्ता में नहीं है, हम जो अपोजिशन में है, हमारी आवाज सुनती नहीं है अपोजिशन। तो आप यही चीज जब आप चुनाव में खड़े हो रहे तो आप क्यों नहीं बोलते कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो विकास करेंगे? नहीं है तो कैसा करेंगे? इस बार इंशाअल्लाह ताला मुमरा कलवा विधानसभा और महाराष्ट्र की जनता सत्ते में लाएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आप कहेंगे क्योंकि सारे एनसीपी के लोग जो बीजेपी में चले गए, फिर आप कहेंगे कि अब हमारे एक ही आमदार क्या करेंगे? आप ऐसा कहेंगे ना, एक ही आमदार क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा जो है कि हम सत्ता में नहीं है। हम सत्ते में नहीं होने के बाद भी आज मुमरा कौसा कलवा का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ है हम बताना डेवलपमेंट क्या हुआ है? आप बताइए डेवलपमेंट क्या हुआ है? सब अधूरे हुआ है। एक मिनट आप सुनिए ना, सब अधूरे हुए। आप मुझे मौका दीजिए। बोलिए। आज मुमरा कौसा में स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम बना दिया हमारे आमदार साहब ने। आज मुमरा कौसा कलवा का एक एक रोड कॉन्क्रीट हो चुका है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब आने के पहले हमें पैंट को घुटने पे लाके रास्ते में चलना पड़ता था, लेकिन आज वो रास्ता कॉन्क्रीट हो चुका है। आज मुमरा कौसा के अंदर हॉस्पिटल आ चुका है। आज मुमरा कौसा के अंदर 5 एकड़ में अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान आ चुका है। आज मुमरा कौसा के अंदर आप जाके देखिए तो जब मुमरा में आप इंटर करते हैं तो वहां पे इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े पैमाने पर चौपाटी बन रहा है। आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने
और हमारे नगर सेवकों ने, हमारे संगठन ने मिलकर के हम लोगों ने जो मुमरा कौसा का विकास किया है ना कभी था, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में कुछ अगर अधूरा रह गया है तो उसे पूरा करने का, इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करने का काम भी आमदार जितेंद्र रावत साहब के हाथों ही होगा। आपने जितना गिनाया है अभी विकास का, ये 2009 से पहले के है। आपने का ये आपने हॉस्पिटल की बात की है, ये 2009 से पहले का है। स्टेडियम बनवाया हमारे आमदार ने, सुनिए, कब्रिस्तान हमारे आमदार साहब ने लाया। आज एमएम वैली से जो रोड बन रहा है 100 फीट का, वो आमदार जितेंद्र रावत साहब ने लाया। आज मुमरा कौसा का जो रोड कॉन्क्रीट हो चुका है, ये आमदार साहब ने कराया, हमारे नगर सेवकों के प्रयास से हुआ। आज कब्रिस्तान का जो मामला है 5 एकड़ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहना चाहता हूँ, सलाम करता हूँ आपके माध्यम से कमिश्नर संजू जायसवाल साहब को, आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को, हमारे नगर सेवकों को भी, कि उनके प्रयासों से आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कब्रिस्तान बना है मुमरा कौसा के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में किसी एमएलए ने और किसी कमिश्नर ने ऐसा काम नहीं किया है कि तुम्हारा सिर्फ काम है मोबाइल पे लेकर के फेसबुक पे बदनाम करना आवाज साहब को। अगर भूख लगी है पेट में तो उसके लिए खाना खाना पड़ता है, चिल्लाने से भूख नहीं जाती। आप तो अगर काम नहीं होगा, आप मुबारकबाद दे रहे जितेंद्र रावत को, संजू जायसवाल को, लेकिन मुमरा की जो जनता है, अगर मुबारकबाद तब देते थे रावत साहब को, संजू जायसवाल साहब को, जहाँ पर मुमरा की जनता की मांग थी वहाँ पर कब्रिस्तान मिलता, तो आपने ले जाके कोने में दे दिया, आपने जाके सिलेक्टर हाउस पे दे दिया। चलिए आज अच्छा हुआ आपने इस बात को छेड़ दिया। मैं अभी सुनिए, कब्रिस्तान जहां मांग थी वहां देना चाहिए। आप मेरी बात को सुनिए, ये जो बातें करते हैं ना 4, 6, 10, 11, मैं इनसे एक बात पूछता हूं। ये कहते हैं ना कि वहां पे क्यों दे दिए, तो जो जगह क्लियर नहीं होगी, जो जगह फॉरेस्ट, जो जगह अपना क्लियर नहीं रहेगी, जिस जमीन के ऊपर सीआरजेड होगा, उस जमीन के ऊपर कब्रिस्तान का अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। सुनिए पहले सरोज भाई, आप सुन लीजिए, वो जगह क्लियर थी, उसलिए वो जगह के ऊपर कब्रिस्तान का अलॉटमेंट कमिश्नर साहब ने और आमदार साहब के माध्यम से हुआ। और आपने कहा ना कि वो स्लाइडर हाउस क्या हुआ, अरे भाई उनको बोलो जो आग में ब्लैक रिबन लगाते हैं कि वो जो स्लाइडर हाउस है स्टेडियम के पीछे पास हो चुका है, उनको नहीं समझ में आता है तो मुझसे मिल ले। लेकिन मुमरा की जनता को मिल ले, सुनिए पर चाहिए, सुनिए पहले, आपने मुमरा की जनता को जहां मांग थी वहां क्यों नहीं दिया, सवाल ये है। आप सुनिए, एमएम मोइली का वो बेल्ट, आपने वो एमएम मोइली के जो सुकून हाइट्स, सुनिए सुकून हाइट्स जहां पे आज तकरीबन मेरे हिसाब से 50 लाख रुपए गुंठे की जगह की कीमत होगी, उस जगह के बाजू में आज वो जगह हमको मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे शहर में फिरोज भाई मुझे आज भी याद है, अपने मुंह से कह करके उस पे ऑब्जेक्शन लेना, कब्रिस्तान की राजनीति करना, मैं इसको बहुत गंदी राजनीति मानता हूँ। आवाज साहब ने कोई राजनीति नहीं किया कब्रिस्तान पर, आवाज साहब ने राजनीति की, आवाज साहब ने कोई राजनीति, अगर राजनीति नहीं किए तो उनको 107 में सर्वे नंबर 107 में क्यों नहीं दिए। मैं आपसे बता चुका हूँ कि वो जगह उस वक्त सीआरजेड में थी, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर अल्लाह ताला को उनको इज्जत देना लिखा है तो कोई डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को बदनाम करने में कामयाब नहीं हो सकता। फिरोज हाशमी साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आज वो हमारे जो कुछ चंद गिने चुने लोग जो सिर्फ फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप पे रहते हैं, वो जाकर के अपने आंख का ब्लैक चश्मा निकाले और 2000 आमदार जितेंद्र रावत साहब एमएलए होने के पहले से उठा करके शहर को दोबारा देखें और उसके बाद आकर के मुझसे बात करें आपके सामने। उनको मैं जवाब देता हूं कि स्टेडियम मुमरा कौसा में स्टेडियम आया, कब्रिस्तान आया, अल्हम्दुलिल्लाह स्लाइडर हाउस आ रहा है, जो ख्वाब में चल रहे हैं, जो हवाई बातें कर रहे हैं, उनका ख्वाब टूटेगा इंशाल्लाह। आपका कहने का मतलब कि जहां भी मतलब कब्रिस्तान जो स्लाइडर हाउस पे दे दिया गया है वो सही है, उनका सम्मान, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सम्मान करना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ,
अगर कौसा की कब्रिस्तान जामा मस्जिद ट्रस्टीज के लोगों ने यहां ताला मार दिया था और अगर वो कब्रिस्तान अलॉटमेंट नहीं होता तो हमारे शहर के हमारी जो मैयत होती उसको हम कहां दफन करते। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, इसके लिए आमदार भी जिम्मेदार है। आमदार जिम्मेदार सुनिए, आमदार है वो। सुनिए फिरोज आदमी साहब, वादा किया था। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, मर के दफन वही होना है, आखिरी जगह वही है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, राजनीति नहीं हुई। सुनिए आप बताइए, आप सुनिए, कब्रिस्तान में राजनीति हुई? यही जो लोग कुछ पार्टीज के हाजी अरफात साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनको लेकर के आए और बोले पानी भरा है सर, कब्र से पानी निकल रहा है सर, दलदल है पूरा। आप वहां मौजूद थे? पानी नहीं भरा। एक मिनट, पानी नहीं भरा। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए फिरोज हाशमी साहब, बोलने का मौका दीजिए। अभी आप वहां मौजूद थे, प्रहार टाइम्स का चैनल मौजूद था और हाजी अरफात साहब कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान बहुत अच्छा बनाया गया है। हाजी अरफात साहब ने आपके चैनल से कहा था, वो माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं और साथ साथ में बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो यहाँ के बीजेपी के लोगों ने बुलाया था उन्हीं लोगों के सामने कहा था कि कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, कब्रिस्तान का काम बहुत अच्छा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और कब्रिस्तान शहर को मिले। हमारा आमदार हिंदू है, इसके लिए घेरते हो उसको? उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र लवाड़ है, इसके लिए घेरते हो उसको? उस हिंदू ने ला करके हमें कब्रिस्तान दिया, कैसे मुसलमान हो तुम कैसे मुसलमान हो? लेकिन कब्रिस्तान को लेकर के आप स्टे लाने की बात करते हो, तो क्या चाहते हो कि हम हमारे घर के जनाजे पढ़ने के बाद हम कब्र का इंतजार करें? कब्र तो खोली जाएगी? फिरोज भाई देखिए, गलत है समीम भाई आप इतना सोच रहे, इतना मुमरा को लेकर फिक्रमंद हैं। तो आपके आमदार ने जहां पर 100 सर्वे नंबर 107 में जो पास, सवाल यही है मेरा, सवाल मेरा यही है कि सर्वे नंबर 107 में क्यों नहीं दिया गया? सेनेटर हाउस पर क्यों दिया गया? आफ्टर चंद्रशेखर के जमाने में जिस वक्त वो कमिश्नर थे, उस टाइम में जो दुकानें तोड़ी गई थी उनको कितनी बार आप लोगों ने लेटर दिया है? अनगिनत बार लेटर दिया है आपने, अनगिनत बार जो है आपने स्टेज लगाकर उनको चाबियां दिया है, मगर वो आज दुकानें खुली है क्या? आइडियल मार्केट में भी एक ओपनिंग करके आमदार साहब के हाथों से चाबी बांटी थी वो इसी रह गया। नहीं माफ कीजिए, चाबी लेके घर पे बैठे फोटो करा लीजिए। नहीं माफ, आपने फोटो खिंचाया चाबी देते हुए और उसके बाद घर पे बैठ गए, दुकान खुली है क्या? उनको अधिकार दिए क्या? गलतफहमी है नहीं हुआ कुछ लोगों को? और जो आपने कहा फोटो, अरे फिरोज हाशमी जी, जो आदमी उतरेगा रोड पे, जो आदमी शहर की तरक्की के लिए, जो आदमी डेवलपमेंट के लिए उतरेगा, वही तो फोटो में आएगा। क्या बिस्तर लेकर के बंगले पे कुर्सी लेकर बैठने से फोटो आता है क्या? संजीव जायसवाल साहब ने जो रोड बाइंडिंग किया, आमदार का हक क्या बनता है? काम जो जिनके दुकान तोड़े गए हैं वो हक दिलाने का काम बनता है या नहीं? मैं कमिश्नर साहब को खास करके मुबारकबाद पेश करता हूं, प्रहार टाइम्स के माध्यम से मेरे आमदार डॉक्टर जितेंद्र वार साहब को, हमारे तमाम नगर सेवकों को भी, कि जितना काम कमिश्नर संजू जायसवाल साहब ने थाने में किया, जितना मुमरा कौसा कलवा के अंदर काम हुआ, ये उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इससे तुम्हारा कद नहीं बढ़ेगा। मैं मानता हूँ संजू जायसवाल साहब ने विकास का कार्य किया है, लेकिन आपका आमदार का हक क्या बनता है? जो मुमरा में रोड वेंडिंग में तोड़े गए दुकानों को हक कब मिलेगा आपसे? मैं आज भी भटक रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे हैं वन साइडेड। नहीं कैसा आप, प्लीज आप पत्रकार हैं, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताइए क्या आइडियल मार्केट में उसकी ओपनिंग करके उनको चाबी नहीं दी गई थी? चाबी दी गई लेकिन उनको अधिकार दिया तो गया दुकान खोलने का? आपके कैमरामैन को भेजिए, जाकर के उनको बोलिए जाके वहां पे रिकॉर्डिंग करके आए। अगर वहां दुकान, एक मिनट, अगर वहां दुकान चालू ना हो तो शमीम खान कल सुबह मुमरा कौसा छोड़ देगा। आप एक रोड की बात कर रहे हैं? विंटल की हम बात कर रहे हैं। अरे भाई आज ये शहर, ये मुमरा कौसा का शहर, ये संघाई हो चुका है और सिंगापुर हो चुका है। चलिए, पिछले 10 सालों में रीदा रसीद ने जो है ये कहा है, विधायक जितेंद्र आवाड़ ने सिर्फ बंगला बनवाया है और आपको नए नए प्रोजेक्ट दिया है। कौन रीदा रसीद? मैं नहीं जानता हूँ। बंगला, गाड़ी, अरे भाई अल्लाह ताला ने अगर उनको उस लायक बनाया है
तो वो बेशक जो कोई ये कहता है कि उनके पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो क्या नहीं होना चाहिए? मैं एक बार पूछता हूं, क्या बीजेपी के लीडरों के पास में गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है? पूछूं मैं भी नाम लेकर के? ऐसा नहीं है, ये सब चीजें ठीक नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता। समीर भाई, नईम खान ने कहा था कि जितेंद्र आवाज पांच पांडो को चलाते, मतलब जितेंद्र आवाज को पांच पांडो चलाते हैं, तो ये क्या है, पांडो कौन है? नईम खान को उनका नाम भी लेके बोल देना चाहिए था, नाम क्यों नहीं लिए? लेकिन पांडो अगर वो कहते हैं तो मैं हूं, मैं जिसके साथ रहता हूं वफादारी के साथ रहता हूं। लेकिन आप तो जिसके साथ में रहते हैं वहां आपने आज तक वफादारी की ही नहीं। अगर मुझे शानू पठान, मुन्ना भाई साहिल, शाहरुख, ऐसा हमारा शायद चार पांच लोगों का नाम लेके उन्होंने कहा था, तो नईम नजीर खान जी हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि मैं और हमारे ये चार साथी, हम लोग उनके वफादार हैं, उनकी वफादारी के लिए हमारे वफादारी के लिए आपको हमारी सर्टिफिकेट, आपकी हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी जिसके साथ में रहें ऐसा वफादारी करें कि लोग आपको भी कहें कि आप भी किसी के पांडव हैं। हाँ, रीता रशीद ने यह भी कहा था 15 दिन के मेहमान हैं आमदार, क्यों कहा था ऐसा? क्या मतलब, क्या लगता है आपको कि 15 दिन के मेहमान हैं? हंसी आ रही मुझे इस बात पे। आमदार डॉक्टर जितेंद्र वार साहब 10 साल से यहाँ पे एमएलए हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में 1 लाख वोटों से उन्हें हम लोग कामयाब करेंगे। हमारा मिशन है राष्ट्रवादी पार्टी के संगठन का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का ये मिशन है। हमारे विधायक ने, यानी आपके आमदार ने विकास का गंगा बहाया है मुमरा में, और ठीक उसी तरह नईम नजीर खान वो भी कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहाया है। कैसे यकीन करें कि आपने किया है कि नजीर खान ने किया है? काम तो पूछो नईम नजीर खान जी से कि उन्होंने कौन सा काम, उन्होंने तो कह दिया। ऐसे तो नूरानी पे खड़े होकर के 4-6 लोग कटिंग चाय पीते हैं, वो भी कह देते हैं कि भाई स्टेडियम मैंने लाया, रोड मैंने बनाया, कब्रिस्तान मैंने लाया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो कभी कब्रिस्तान पे ऑब्जेक्शन भी लेते हैं और कभी कहते हैं कि ये हम लाए। उन्होंने कहा जब हम महापौर थे तब ये सारे प्लान हमने पास करवाए थे। अगर वो महापौर थे तो उस वक्त उनके कार्यकाल में, उनसे पूछना चाहता हूँ मैं, ये जितने रोड अधूरे पड़े हुए थे जहाँ पे कॉन्क्रीट नहीं हुआ था, उन्होंने एक रोड बनाया था क्या? खूनी बाईपास था, तो उस वक्त आप लोगों ने आंदोलन किया, पीडब्ल्यूडी से भी मिले, तो आप लोगों, यानी आप लोगों की मांग पर बाईपास बना, तो आप लोग को जो है 12 बजे रात को उद्घाटन क्यों करना पड़ा? सही सवाल किया आपने, क्यों करना पड़ा? जवाब दे दो उसका, आपको नाम है? बोलिए हाशमी जी, आप मेरे से जवाब लीजिए। बोलिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुमरा बाईपास अगर जो लोग कॉन्ट्रेक्टर्स काम कर रहे थे वहां के इंजीनियर ने शाम में 6 बजे अगर आमदार साहब से कह दिया कि सर इसको आप चालू कर सकते हैं बाईपास को, तो ये ट्रैफिक सिटी से भेजना ये ठीक था कि रात में एक टाइम तय करके जितना जल्दी हो सके उसका उद्घाटन करना ठीक था? तो उद्घाटन जल्दी था, या सुनिए, या ये बोल के कि वो फॉरेन मिनिस्टर आएंगे तब काटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आमदार डॉक्टर जितेंद्र वार साहब की सोच हमेशा यही रही है, जो काम कल होना हो वो काम आज हो जाए, मतलब जो सुबह होने वाला वो 12 बजे रात को हो जाए, 12 बजे रात को हो, 3 बजे रात को हो, 10 बजे रात को हो, शाम 6 बजे हो, लेकिन जो काम कल का हो वो काम आज हो जाए, ये आमदार डॉक्टर जितेंद्र वार साहब की सोच है और सोच को मैं सलाम करता हूँ। आप ये क्यों नहीं कहते कि वहाँ पर दूसरे लोग भी, पालक मंत्री भी उद्घाटन करने वाले थे, इसलिए क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, आपने 12 बजे रात को उद्घाटन किया। क्या मालूम था कि पालक मंत्री जी कल आके उसका उद्घाटन करने वाले हैं, ये तो आप कह रहे हैं मुझसे। नहीं तो ये भी तो हो सकता था, एक तरफ पालक मंत्री उद्घाटन करते, एक तरफ आप करते। मैं एक बात पूछता हूँ, जो सोच आमदार साहब की थी ये सोच बाकी लोग क्यों नहीं बनी? उनकी सोच बनना चाहिए था ना, क्यों भाई बैठ के सेकंड डे का इंतजार करने का? शहर जाम पड़ा हुआ है, आप जानते हैं इसी शहर के अंदर हमारे दोस्त हसन भाई की जान गई है ट्रैफिक के अंदर, और कितनी जाने लेंगे हम लोग? अगर वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आमदार साहब ने उसका उद्घाटन 12 घंटा पहले कर दिया तो क्या गुनाह किया फिरोज हाशमी जी? कोई गुनाह नहीं किया। जो रोड वेंडिंग के बाद जो यहाँ पर बताया गया था विकास के गंगा रोड के बह गए हैं, तो वहां पर क्या बहा है? वहां पर जो है आज गाड़ियां खड़ी है, कार खड़े हैं, बाइक खड़ी है, क्या इसके लिए जो रोड वेंडिंग किया गया था? देखिए फिरोज हाशमी जी, पूरा काम एक साथ तो नहीं होता। हाँ, कमिश्नर साहब ने, हमारे आमदार साहब ने उनसे बात किया और उस रोड का भी काम चालू हो गया है।
ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आप मुझे ये बताइए जो रोड बेंडिंग किए कितने साल हो गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कमी है, आप मुझे बोलने दीजिए आपके कैमरे के माध्यम से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कमी है। आपका सवाल एकदम सही है, जो रोड बनाने के लिए जो दुकानें तोड़ी गई वहां पे गाड़ियां खड़ी नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ, आप ये बताइए मुझे रोड बेंडिंग में हजारों दुकानें तोड़ी गई, क्या सिर्फ 35 दुकानें तोड़ी गई थी? मैंने अभी आपसे ये कहा कि कल मैं बैठा हुआ था, वो एक बात बताया मैंने आपसे, और उसके अलावा सैयद अली असर भाई साहब ने 4 दिन के पहले आमदार साहब से डिस्कस करके, शानू पठान हमारे नगर सेवकों ने मिलकर के हमारे प्रभाग से मिली, आज यहाँ बताइए बाकी लोग को कब मिलेगा, बाकी लोग को कब मिलेगा? बहुत जल्द मिलेगा, मैं तो ये कोशिश करूंगा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो कैसे यकीन करें, वन साइडेड बात मत कीजिए, यकीन कैसा करें, वन साइड नहीं है, आप साफ ही है, जो सवाल है वो कर रहा हूँ मैं। इंसान आंदोलन करते आंदोलन करते मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में चूड़ियां नहीं है, आप भी निकलो अपने हक के लिए और अपने शहर के लिए। आज अगर माननीय फिर राजनीति छोड़ दे, आप भी छोड़ दे। मैंने ऐसा नईम खान ने दावा किया है कि टोरंटो अगर शहर में नहीं आई, यानी मुमरा कलवा में अगर टोरंटो नहीं आई तो मैं बंगला छोड़ दूंगा, यानी ये तो ऐसा हो गया है कि विधायक जितेंद्र रावत इस तरह से कह रहे, चोर से कहो चोरी करे और साव से कहो जाते रहो। ये बात नईम खान जी कह रहे हैं ना, मैं नईम खान जी से कहना चाहता हूँ आप बंगला मत छोड़िए, आपको बंगला छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये अगर आप मुझे जो भी समझते हैं आपकी निगाह में, मैं ही नहीं मतलब हम सब मिलकर के टोरेंट को हमारे शहर में एंट्री नहीं देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने ऊर्जा मंत्री जी से बात कर लिया है, इंशाल्लाह ताला ये टोरेंट नहीं आएगी, ये सिर्फ आमदार साहब को बदनाम करने का, उनके ऊपर एक कीचड़ डालने का, अगर नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी है लोगों का, अगर नहीं आएगी टोरेंटो तो किसके नाम से एग्रीमेंट बनना चाहिए उस बंगले का? क्या बोले आप, उस बंगले का किसके नाम से एग्रीमेंट बनना चाहिए? आप से कह रहे हैं नहीं आएगी, नईम खान कह रहे हैं अगर नहीं आएगी तो मैं जो है बंगला छोड़ दूंगा। मुमरा किसके नाम से एग्रीमेंट, किसके नाम से बनेगा? आपके नाम से? मुमरा किसके नाम से बनेगा? मेरे नाम पे, नामदार साहब के नाम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ गरीब आदमी हो उसके नाम पे बनना चाहिए, उनका मकसद है। सुनिए मैं एक बार पूछता हूँ आपसे, नईम खान जी ने, मैं आपसे सुनिए, मैंने एक बार आपके माध्यम से उनसे कहा था कि नईम खान जी चलिए दशरथ दादा पाटिल और डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के नेतृत्व में हम लोग कलवा से जा रहे हैं थाना कलेक्टर ऑफिस में, तो क्यों नहीं आए? आज तक नईम खान जी कोई टोरेंट कंपनी के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किए? आज तक नईम खान जी इसलिए नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि आपके आमदार ने पहले से ही साइन कर दिया था। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी सुनिए, गलत बात है। अरे आप सुनिए, मेरे आमदार ने तो नागपुर अधिवेशन से लेकर के हाउस तक आवाज उठाई है, मेरे आमदार साहब ने खुदा की कसम मेरे सामने ऊर्जा मंत्री से बात किया है, ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, टोरेंट नहीं आएगी। और फिर कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, आपके आमदार का लेटर मैं दिखा सकता हूं। सुनिए, आपके आमदार का लेटर दिखा सकता हूं, साइन दे दिया हो तो दे दो उसको, हमारे मेरे आमदार का लेटर मैं आपको दिखाता हूं। मैं अभी लाया नहीं हूं, मैं अगले कभी अगर मुझे आपने मौका दिया तो मैं अगले टाइम में लेटर आपके माध्यम से जरूर दिखाऊंगा। ये थे शमीम खान जो दावे कर रहे हैं मुमरा के विकास और विनाश पर। बहरहाल उनका कहना है मुमरा में जितने काम हुए हैं वो विधायक जितेंद्र हवाड ने किया है, जिसकी दावे कर रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।